अमिताभ बच्चन का सपनों का महल एबीसीएल आखिर क्यों टूट गया था? एबीसीएल यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो अमिताभ बच्चन का खुद का कॉरपोरेट कंपनी था, जिसने शुरुआत की पहले टेलीविजन से। देख भाई देख, ये सीरियल आप सबको याद होगा। इसी सीरियल से एबीसीएल ने अपनी नींव रखी 1993 में। इस सीरियल 1994 तक चला। दूरदर्शन में दिखाई गई इस सीरियल ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया और इस सीरियल हिट भी रही थी। तो इस सक्सेस के बाद एबीसीएल ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में कदम रखा और बॉम्बे फिल्म का हिंदी डब वर्शन का डिस्ट्रीब्यूशन राइट उन्होंने खरीद लिया। ये फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी। तो 1993 से लेकर 1995 तक एबीसीएल ने 15 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया था, जो उस समय काफी बड़ी रकम थी। ये दो सक्सेस मिलने के बाद एबीसीएल ने कॉन्फिडेंस आ गया और अब उन्होंने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया। एबीसीएल ने दो फिल्मों का इस समय ऐलान किया, एक था तेरे मेरे सपने और दूसरी थी सात रंग के सपने। और यहीं पर एबीसीएल की सबसे बड़ी गलती हो गई, यानी अमिताभ बच्चन का पूरा वक्त यहीं से शुरू हो गया था। इसके बाद 1996 में एबीसीएल ने मिस वर्ल्ड का भारत में ले आने का फैसला किया, यानी मिस वर्ल्ड जो एक पेजेंट शो था, उस शो को पहली बार भारत में ले आए थे एबीसीएल, उम्मीद के साथ कि एबीसीएल का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देगी ये मिस वर्ल्ड शो और उसके साथ स्पॉन्सरशिप भी भर भर के देगी, जिसमें एबीसीएल का काफी सारे प्रॉफिट होगा। लेकिन ये डिसीजन पूरी तरह गलत साबित हुई। मिस वर्ल्ड के लिए ना तो कोई स्पॉन्सरशिप मिला और ना ही मिला ऑडियंस। स्टेडियम पूरा का पूरा खाली रहा और खाली स्टेडियम में मिस वर्ल्ड का शो चल रहा था और कोई स्पॉन्सरशिप एबीसीएल को नहीं मिला। तो इसके चलते एबीसीएल की इतनी लॉसेस हुई है इस मिस वर्ल्ड शो से कि उसके बाद जो लाइटिंग, मैनेजमेंट, डेकोरेशन, इन सब का खर्चा जो बाकी था, इन सब का पेमेंट्स ABCL कर नहीं पाया। इसी बीच तेरे मेरे सपने रिलीज हुई और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में कोई कमाल नहीं कर पाई। हालांकि इस फिल्म ने अरशद वर्सी को हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। ये दो बड़े झटके खाने के बाद ABCL ने तय किया कि अब उसे बड़ी फिल्म बनानी चाहिए बिग स्टार को लेकर, और अमिताभ बच्चन से बड़ा बिग स्टार कौन था बॉलीवुड में। तो अमिताभ बच्चन ने खुद अपने कंधों पर एबीसीएल की जिम्मेदारी ली। उन्होंने दो फिल्मों का इस समय ऐलान किया, एक था मृत्युदाता जिसमें अमिताभ बच्चन खुद थे और दूसरी थी रिश्ता जिसमें माधुरी दीक्षित और आमिर खान के साथ भी अमिताभ बच्चन खुद थे। लेकिन पहले मृत्युदाता की शूटिंग शुरू हो गई और यहीं पर शुरू हुआ फिर से बहुत बड़ा झटका। मृत्युदाता रिलीज हुई 1997 में और ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में इतने घाटे खाए, इतने लॉसेस खाए कि वो लॉसेस तेरे मेरे सपने और उसके बाद सात रंग के सपनों को भी पीछा छोड़ दिया था। तो एबीसीएल का आखिरी जो उम्मीद था वो भी टूट गया था। जिंदगी क्या सिर्फ छोड़ने के लिए है साहब? मैंने आपको छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। अब लेनदारों का लाइन लग गया था अमिताभ बच्चन के बंगलों में। अमिताभ बच्चन बैंकक्रप्ट हो चुके थे अमिताभ बच्चन के पास और कोई भी इनकम सोर्स नहीं था। हालत इतनी खराब थी कि अपने घर के नौकरों को भी तनख्वाह देने के लिए अमिताभ बच्चन के पास कोई पैसा नहीं था। उस समय मार्केट में एबीसीएल का 100 करोड़ का लोन था जो अमिताभ बच्चन को चुकाना था और इनकम आठ आने पैसे का भी नहीं था। तो इस बुरे हालात के चलते अमिताभ बच्चन ने आमिर खान और माधुरी दीक्षित के पास रिक्वेस्ट की। जो साइनिंग अमाउंट उन्होंने दी थी रिश्ते के लिए, वो अगर उसे वापस कर दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा। और आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने वो साइनिंग अमाउंट 1-1 करोड़ दोनों ने वापस भी कर दिया था। तो सोच सकते हैं कि कितना बुरा वक्त उस समय अमिताभ बच्चन के साथ चल रहा था। लेकिन अमिताभ बच्चन ने धीरज नहीं खोया, वो धीरज रखा और अपने बुरे वक्त को टलने का इंतजार किया, संघर्ष जारी रखा, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा
और फिर 1999 में केबीसी के तहत यानी कौन बनेगा करोड़पति सीरियल यानी इस गेम शो के तहत उन्होंने टीवी से ही अपना दूसरी इनिंग्स शुरू की। और ये सीरियल हम सभी जानते हैं, ये टीवी शो, ये गेम शो कितना बड़ा हिट साबित हुई थी। और अमिताभ बच्चन इसके बाद धीरे धीरे अपने सारे लोन्स यानी जो 100 करोड़ का लोन्स था उसके कंधों पर वो सब कुछ उन्होंने चुका दिया था। तो ये था अमिताभ बच्चन और एबीसीएल की कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मिलेगा बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।